खोज भरपूर ते लेखा नाल शिंगारिया कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों धार्मिक रसाला सिफत सलाह पंजाबी हिंदी ते अंग्रेजी तिने भाषावां विच हर दो महीने बाद तुहाडे घरां विच पहुंचदा है। रसाला बुक करवाउण लई संपर्क करो 98 765 25 850। वाहे गुरु जियो जी कर कृपा प्रभु साध संग मेली वाहे गुरु कर सारे मंगो जी कर कर जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली जा फिर देख मेरा अल्लाह बेली कर कृपा प्रभु साथ अरे कर तप लो हाथ मरोड़ा बावल मोई सोशलो तैसो मन जोवन खोए पाछे पछतानी काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हूं बिर है जली तेरे दे हून कते सो पाए या होए कृपाल ना प्रभु मिलाए विदन खोई मौंद अकेली ना को साथी ना को बेली की मंगना कर फिर प्रभु साथ संग मेरी वाह वाह देखा ता मेरा अल्लाह बेली ता मेरा अल्लाह कर कृपा प्रभु साध संग कर कृपा
वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिखी बात पहिनी उस उपर है मार्ग में शेपरी का पंथ समार सवेरा उस ऊपर है मार्ग मेरा शेपरी का पंथ समार सवेरा कर कृपा प्रभ सा अरे प्रभ सा जा कर देखा ता मेरा अल्लाह प्रभु साध संग हाँ जी कर प्रभु साध संग प्रभु साध संग कर संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्यार विच गज के आखो सतनाम एक लड़ीवार प्रकरण महाराज जी सेवा ले रहे ने बाबे नानक दा भी स्कूल है उदियां भी क्लासां ने कोई संगत नवी आई होंदी है पहलियां नौ क्लासां बोल के लंघ रहे हैं गुरु साहिब कृपा करन फिर अज दसवीं दी वारी गुरु नानक दे घर दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न दे लई जीव उदम करता है अजे अर्थ नहीं पता रस नहीं पता पर उदम कीता गुटका साहिब फड़िया ए दाखला है पहली क्लास गुरु नानक दे स्कूल दी दूजी क्लास मन पुणिया जांदा है चंगे ते मंदे दी पछाण हो जांदी बाबे नानक दे स्कूल दी तीजी क्लास चंगे कम्मां वल रुचि वधणी शुरू हो जांदी है ते माड़े कम्मां वल रुचि घटणी शुरू हो जांदी गुरु नानक दे स्कूल दी चौथी क्लास इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जांदा गुरु नानक दे स्कूल दी पंजवीं क्लास कुछ पुन दान वल रुचि वध जांदी दिल करदा हुण मैं पुन दान भी करां गुरु नानक दे स्कूल दी छेवीं क्लास सा संगत गुरबाणी विच्चों रस आउणा शुरू हो जांदा गज के आखो सतनाम रस आउणा शुरू हो गया गुरु नानक दे स्कूल दी सतवीं क्लास गुरबाणी दी डुंगियाई विच जाणा शुरू हो जांदा गुरु नानक दे स्कूल दी अठवीं क्लास खाण विच ते होर किरिया विच सादगी आनी शुरू हो जाती
गुरु नानक दे स्कूल दी नौवीं क्लास पहरावे विच भी सादगी आ जांदी कह दिओ गज के सतनाम इहदे च भी सादगी आ गई ते अज बाबे नानक दे स्कूल दी दसवीं क्लास महाराज सेवा लैण एक वारी पढ़ो पंक्ति प्यार दे नाल सारे कृपा करियो जी कर कृपा प्रभु साध संत जे कर कृपा प्रभु साध संत जे जां कर देखा ना मेरा अल्लाह पहली जां कर देखा ना मेरा कर कृपा प्रभु साध संत मिले कर कृपा प्रभु साध संत मिले गज के आखो सतनाम फिर आखो सतनाम बहुत ध्यान देना गुरु नानक दे स्कूल दी नौवीं क्लास पहरावे विच भी सादगी आ गई पिछली बारी भगत फरीद जी का पहरावा समा घट सी ते है बड़ी हैरानगी गल है भगत फरीद जी कैसा पहरावा रखते सी गोदड़ी पहनते सी गोदड़ी 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 होंदी है छोटे छोटे कपड़िया के पीस वधे होण ते उन्हां नूं साध संगत जोड़ के बनाई हो हुण 10 12 15 20 कपड़े है उन्हूं उहदे नाल जोड़िया उन्हूं उहदे नाल जोड़िया उन्हूं उहदे नाल उन्हूं गोदड़ी कहिंदे आ ते मैं हैरान रह गया उन्हां दी मैं गल दस रहा आप जी नूं भगत फरीद जी सौण वेले सिर थले सराणा नहीं सी लैंदे जिहड़ा हथ च डंडा हुंदा सी ना उहनूं सराणा बना लैंदे आखो सतनाम उहनूं सराणा बना लैणा ते गोदड़ी पहननी गोदड़ी मिक्स कपड़े गांडे लाए एक बारी किसी ने बड़ा रेशमी चोला फरीद जी नूं भेटा करता फरीद जी ने उहदा मन रखण लई एक घंटा पाया पाण तो बाद सेवादार नूं देता ते कहण लगे जेड़ा आनंद सानू गोदड़ी विच ओ आनंद रेशमी कपड़े च नहीं आखो सतनाम कहिंदे गोदड़ी नाल होमे नहीं आंदी ये गोदड़ी हुंदी जी हुण मैं पुछो मंडी गया ते मैनू बाबा सुखदेव सिंह जी ने बाबा महाहरनाम सिंह जी की गोदड़ी विखाई आखो सतनाम उन्हां दी गोदड़ी उदों दी ट्रंक च पई सी हुण
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਾ ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਤੇ ਗੋਦੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਰਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਥਲੋ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਗੋਦੜੀ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੋਲੋ ਬਾਹਰ ਗੋਦੜ ਆਪੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾੜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੰਮ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਸੁਣਿਓ ਆ ਜਗਤ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਗਤ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਵੈਰਾਗ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵਿਚਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਹੁਣ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ
यानी सांसे मस्कीन जी किताब है तीजा नेत्र ओदे च जड़ी दसवीं क्लास दे इशारे जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो जाता है। ये कुछ नाल मिलते जुलते बचन ने दोक में आप जी दे चरना तीजा नेत्र नाए किताब ओदे च दसवीं क्लास बारे एक बचन है बहुत ध्यान ना सुनियो वो लिखते है कहते बिनसन हार जगत दी असलियत बिनसन हार जगत दी असलियत जदों दिस पवे सुनियो ज्ञानी संसिंह मस्कीन जी का वचन बिनसन हार जगत दी असलियत जदों दिस पवे ते सारियां ही आसां मुक जांदियां आस रहिंदी नहीं आखो सतनाम बिनसन हार जगत दी जदों असलियत बंदे दे समझ पैंदी है ना सारियां आसां मुक जांदियां ध्यान देना उन्होंने अगों दो लाइनां लिखियां वेरवे अस बोल दईए बिनसन हार जगत की असलीयत जदों दिस पवे ते आसां मुक जांदियां उन्होंने अगों लिखिया कहिंदे इहो जे बंदे नूं भुख लगे इहो जे बंदे नूं भुख लगे ते भोजन खांदा है भोजन खाएगा भुख लगे पर लालसा मुक गई है आखो सतनाम बहुत ध्यान लालसा मुक गई है लून नाल आ गई है तभी नंद च सब्जियां घर वाली ने दो रख दी तभी नंद च तीन रख दी तभी नंद च सादी खा रहे हैं तभी नंद च जिन्हों बिनसन हार जगत दी असलियत दिस पवे असा मुगी रोटी खा रहे है लालसा मुगी ज्ञानी जी ने अगे एक भजन लिखिया उपजीविका लई उपजीविका कहते भी घर चलाण लई उपजीविका लई धंधा करदा दुकान ते जांदा वह बंदा है जिन्हों जगत बिनसन हार की असलीयत पता लग जाए आसा मुकनिया किनू कहते उपजीविका लई धंधा करता है पर धंधे विच्चों लालच मुक जाता है आखो सतनाम लालच मुक जिवें आप जी के चरणां च एक बारी बचन रखिया सी वी लुधियाणे दा एक परिवार उन्हें एक मॉल बनाया सी मॉल जे उहदा किराया लवे इह उदों दी गल है हुण ते वध गए होणे किराया लवे ते तीन चार लख घर बैठिया किराया आंदा है आप चलावे पांच छे लख आमदन है भी सारियां कंपनियां आप अटेंड करे सब बंदे आप रखे मॉल दे अलग अलग दुकाना च अपने वर्कर रखे दास नूं उहने पुछिया सी कहिंदा किराए ते दवां कि सारा आप मैं क्या फर्क की है कहिंदे किराए ते दिया ते चार लख घर बैठिया मिलदा कोई नहीं किराए महीने में जाना ने मॉल बनाया उहदे पच्ची तीह दुकाना ने कोई हाल ने ते जे मैं आप करदा ते छे सत अठ लख भी कमा सकदा ते जदों दास ने उहदी अवस्था चैक करनी चाहिए भी इह कित्थे खड़ा है मैं कही तुहाडा की विचार है कहन लगा आप ही करिए आपको आप करे डेढ़ सौ दो सौ बंदा रखना है वो माल मंगाने अकाउंट रखने हिसाब गवर्नमेंट नूं देने सब कुछ फिर अगों वर्कर रखने कदों नितनेम करेगा कदों सिमरन करेगा दसवीं क्लास है उपजीविका लई मॉल बना रहा है उपजीविका लई दुकाना बना रहा है उपजीविका लई धंधा कर रहा है
ये नहीं भी उपजीविका लई उन्हें सब कुछ छड़ के बह गया। ज्ञानी जी ने लिखा कहते उपजीविका लई धंधा कर रहे है पर विचों लालच मुक गया जी के आखो सतन लालच मुक। ये दसवीं क्लास जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो गया। उस किताब विचों ध्यान देना ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का दूजा बचन तीजा नेत्र किताब चो अज की दसवीं क्लास बारे वो लिखते कहते जगत विच ऐसा कुछ नहीं जिदे नाल मेरी तृप्ति हो जाए। सुनियो जगत में ऐसा कुछ नहीं जिदे नाल मेरी तृप्ति हो जाए जिदन ए ज्ञान हो जाए कहते उस दिन सच्ची उदासी का जन्म होता है। आखो सतनाम जिदन ए ज्ञान हो जाए कि जगत च कोई एहो जी चीज नहीं जिदे नाल मेरी तृप्ति हो जाए जिदन ए ज्ञान हो जाए सच्ची उदासी का जन्म होता है। आखो सतनाम अज की दसवीं स्कूल दी क्लास जगत गंसन हार नजर आना शुरू हो जाता है। ये बारे गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन ध्यान देना नौवें पातशाह जी मैं बहुत वधिया लगा बचन पिता जी मालक साडे का तुसीं भी उन्हें हिरदे च वसायो बड़ा ही आनंद है। इस गृहस्थी च रहोगे इस परिवार च रहोगे एक नजर आना शुरू हो जाएगा वारी का नहीं पता। गुरु तेग बहादुर जी का इस क्लास के प्रथायक बचन है वो बचन है जी जगत एक सुपना है। ध्यान जगत एक सुपना है फर्क इन्ना सुनो ध्यान जगत एक सुपना फर्क कितने एक सुपना बंद अख नाल वेखदे आ ते एक सुपना एक खुली अख नाल वेख रहे हैं। गज के आखो सतनाम कहिंदे है भी सुपना ही। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे जगत एक सुपना ते एक सुपना राती वेखदे आ उदों अखां बंद होंदियां ते जदों नींद खुलदी है कहिंदे ओ ये ते सुपना सी। जे सुपना भैड़ा होवे तां वी बंदा कहिंदा चल शुकर है कोई नहीं सुपना ही चंगा होवे ते तां वी कहिंदा ओ ये ते सुपना सी। गुरु तेग बहादुर जी कहिंदे ओ सुपना बंद अख नाल वेखदे आ है ये भी सुपना है पर एक खुली अख नाल वेखना शुरू हो जाए। आखो सतनाम ये गुरु तेग बहादुर जी दा वचन। आ एक पंक्ति भी बोल लो गुरु तेग बहादुर साहब जी की बड़ी प्यारी है क्यों सुपना यार देखना ऐसे जग को जान आखो सतनाम नौवें पातशाह का भजन कहते जगत एक सुपना फर्क इन्ना एक सुपना बंद अखा नाल वेखदे आ ते एक सुपना अखा खोल के वेख रहे गुरु साहिब जी की अपार कृपा सदका
भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी अते बीबी कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों मनुखता दी भलाई हित कीते जा रहे अनेकां ही उपरालियां दी गुरु साहब सेवा लै रहे हन। इसे अधीन ही पूरे भारत विच 18 वख-वख भलाई केंद्रां राहीं तकरीबन 4800 तों भी वध विधवा बीबियां फ्री राशन अते होर सहूलतां प्राप्त कर रहीआं हन। इकल्ले अमृतसर भलाई केंद्र विच ही 2000 दे करीब विधवा बीबियां फ्री राशन प्राप्त कर रहीआं हन। ए सारी सेवा आप जी दे निग्गे सहयोग सदका ही चल रही है। आउन वाले समय विच वी आप जी दे सहयोग अते असीस दी लोड़ है जी।